हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोइंग लाइफ। और मैं आपके साथ आपको दोस्त यशवर्धन। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों को ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों यार, आज हम लोग जा रहे हैं, बता दूं कहां जा रहे हैं। पहले दोस्तों सुबह सुबह का टाइम और हम सुबह एकदम नहाके तैयार, ठीक है, रेडी हो गए भाई। ठंड बहुत लग रही है, मौसम भी बहुत बदल गया। तो पहले आप देख सकते हो बैकग्राउंड से कि मैं अपने घर पे तो हूं नहीं, तो मैं हूं अपने ताई के यहाँ और हम लोग जा रहे हैं बरेली। हम लोग बरेली क्यों जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बरेली अपने कजन सिस्टर की शादी में। तो ये जो व्लॉग होगा हमारा, ये रहेगा पूरा दिल्ली टू बरेली। तो फुल मस्ती मजाक करके जाएंगे एकदम बढ़िया करके, क्योंकि हमारा परिवार जब मिलता है ना भाई, तो बहुत बहुत मस्ती मजाक होती है। एक तो हमारा परिवार नहीं है, हमारा जिला है। हमारे परिवार में इतने बंदे ज्वाइंट फैमिली में, तो हमारा जिला घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यार, फटाफट नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं, जो भी चाय के साथ जो भी मट्ठे वट्ठे पराठे राठे, ठीक है, जो भी है वो नीचे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट चाय नाश्ता करते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे सीधा बस की तरफ। व्लॉग में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली आ गई चाय और चाय बनी है दोस्तों बहुत बढ़िया। और यह हमारी दीदी काम में आगे होते हुए, तो हमारी ये चाय बनाई है, हमारी दीदी ने बनाई है, आप देख सकते हो। तो बहुत टेस्टी चाय बनाई है। तो चाय करते हैं खत्म और फिर निकलते हैं बस की तरफ। तो दोस्तों चाय और ब्रेड का नाश्ता करके हम लोग निकल गए छोटी ताई के घर से और हम जा रहे हैं अपनी बीचों की ताई के यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो तीन ताई है वो यही आसपास रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं उनके यहाँ। आप देख सकते हो अपना लगेज, तो बरेली का सामान पूरा तैयार है, लगेज देख सकते हो आप। तो भाई बल्ला बहुत सारे सामान है, मेरा और दीदी का और पापा का सामान है। तो और हम जा रहे हैं छोटी तरह के यहाँ पर, फिर वहां पर बैठेंगे बस के अंदर, मतलब वो जो वॉल्वो होती है, टेम्पो ट्रैवलर शायद, जो भी अब देखते हैं क्या है, तो उसमें बैठेंगे और फिर करेंगे ब्लॉग को आगे। हाँ, और मैं आपको ब्लॉग में पहले ब्राइड से ही मिलाऊंगा जिसकी आज शादी है, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही आएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं दीदी के यहाँ और फिर दिखाते हैं दीदी को। तो सबसे पहले आपको ब्राइड दिखाते हैं, जो बहुत ही हमारी छुपके बैठी हुई है। ये हमारी ब्राइड है, देख सकते हो आप, और ये साथ में हमारी ताई, और ये है ब्राइड की बड़ी बहन, और ये हमारी पंतर बाटी पूरी। तो हमारे जो घर है ना, हमारे घर में हमारा जिला है, ठीक है, क्योंकि हमारे में बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक बार जोर से चिल्ला के बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो बने रहेंगे पूरे सफर में, आपको लेके चलेंगे पूरा बरेली पे, ठीक है। तो बने रहिए और ये हमारे हालेलुया आगे बंदा मेरी बहन की शादी है, इधर आगे बोले आना चाहता हूँ इस शादी के अंदर, हालेलुया। तो हमारे बस में एक कंडक्टर कम बढ़ जाता, तो भाई आ गए उसकी मजीने में अपने गोल चक्कर दिल्ली की कदर 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 मडली भाई, कंडक्टर का गाना पाट दे। तो एक बार वो नारे वाला गाना हो जाए, और नारे वाला गाना जब गा रहे थे, ये मेरे मम्मी कसम मेरा ये वो था सपना कि मैं ये पहन के बात करूं। एक बार जल्दी और नारे वाला गाना, हेलो ए नाचो, ओ ना ओ ना ओ ना, मेरी महंगी चीजें देख नहीं पाता मैं, गाना गाओ अरे चलो गाओ तो गा रहे हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मारुति भाई माइक फिट कर रहे हैं अपनी शेड में। तो दोस्तों आपने देख तो लिया होगा हमारी पंटर पार्टी, ठीक है। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक एक से। तो सबसे पहले हमारे ताऊ, जो कि है ब्राइड के पापा जी। ताऊ खुश हो एकदम? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मजा है। और अब आपको मिलाता हूँ हमारी ब्राइड की बचपन की दोस्त दिव्या दीदी से, नहीं शिवानी दीदी, सॉरी शिवानी दीदी से। तो शिवानी दीदी क्या कहना चाहोगे अपनी दोस्त की शादी के लिए? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत खुश रहे और हम बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। तो अब मोंटी भाई से तो मिल चुके, तो मोंटी भाई को साइड कर दो, ठीक है ना, बहुत हो गया अब, ठीक है। ओ हाँ, देखो घर की सबसे मेन, ठीक है, हमारी बुआ, हमारी कोई शादी नहीं होती है, तो हमारी इकलौती बुआ, तो बुआ को लेके आ गए ये। तो बुआ का देख रहे हो भाई, बुआ कितना क्रेज है, हमारी इकलौती बुआ है। तो बुआ क्या कहना चाहोगे आज शादी में, किसका बनता है बुआ? हेलो बोलो, बोलो हेलो बोलो, एंजॉय करो सब। तो बुआ की तरफ से हो गया भाई एंजॉय। तो अब चलते हैं पीछे, और ये हमारी सारी चिल्लर पार्टी। तो कुछ कहना चाहोगे दीदी की शादी? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हम सबको। तो अभी तो भाई स्टार्टिंग हुई है हमारी, तो देख लो 6 घंटे का सफर पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो अब घर की सबसे बड़ी दीदी, दीदी एक बार हेलो कर दो सबको। हेलो दीदी, खुश हो एकदम बढ़िया करके, एंजॉय करके, बहन की शादी है। तो हमारे घर की सबसे बड़ी दीदी है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, लेके चलते हैं अब इनका। हाँ, ये है हमारा लक्ष्य जिसको हम प्यार से बोलते हैं पप्पी। तो पप्पी से मिलाते हैं, पप्पी हेलो बोलते हैं मेरे। हेलो, और कैसे गाइस सारे?
तो अब लेके चलते हैं आएगी तरफ आपको। हमारी भाभी जो बहुत ज्यादा बिजी है तो आपके पास बाद में आएंगे, ठीक है? पहले आप बात कर लीजिए, ठीक है? हाय बोल दो। ठीक है, ठीक। तो हाँ, अब देखो कुछ लोग ना बहुत ज्यादा वेट, ओहो कैमरा आते हमारी ताई देखो कैसे तैयार हो गई एकदम, ताई एकदम पूरी तैयार है। तो ताई कैमरा रखो सबसे पहले, ताई एक बार हाय हाय बोल दो ये। और हमारी दीदी ताई की सबसे, जो ताई की सबसे बड़ी बेटी है। हाँ, बोलो। बोलना चाहोगे आप? आई एम हैप्पी विद माय जर्नी। तो देखो आप मेरे साथ चलते चलते ना इनको देख रहे होंगे, तो ये मतलब ब्राइड की सिस्टर है सबसे बड़ी वाली, तो इनका चलना साथ बिल्कुल लाजमी है। तो चश्मा उश्मा लगा के पूरा ओ भाभी के पास बैठ के बोलेंगे। तो भाभी एक बार हेलो कर दो जरा कैमरे में। हेलो, उतरना है आपको मीठापुर? तो मीठापुर आ गया भाभी, कहाँ है? हाँ भाभी जा कर रही हो, एक बताओ। बरेली। क्या करना है? शादी में, फुल एंजॉय। किसकी शादी में जा रही हो? यशो की। मेरी शादी में? मेरी कौन सी शादी है? अभी मजा आ रहा है। तो अभी आपको ताऊ दिखाता हूँ, ये देखिए ताऊ की खुशी देखिए। ताऊ इधर लगाओ, ताऊ इधर लगाओ, तो आप देख सकते हैं ताऊ को। ताऊ एक बार हेलो करते ऐसे करके। तो पहले चिल्लर पार्टी है। तो हाँ अंशु, हेलो गाइस, आज बुआ की शादी है, कुछ बोलना चाहोगे आप अपनी बुआ की शादी में? बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो? बरेली। चलो, इन बच्चों को पता है कि आएंगी बुआ की शादी बरेली है, तो ये सारी चिल्लर पार्टी आप इनको देखा होगा। और ये बुआ की भतीजी नहीं है, बुआ की रील पार्टनर है ना? यस, आप बुआ की रील पार्टनर। तुम्हारी दूसरी रील पार्टनर कहाँ है? वो अभी पेपर देने गई है। तो इनकी दूसरी रील पार्टनर गई है भाई पेपर देने, ठीक है? तो चलिए चलता है इधर। और ये हमारी प्यारी सी राव्या छोटी, ये दीदी की बेटी है, क्यूटी बाय। हेलो राव्या। और ये हमारे पिताजी जिनको बच्चे खिलाने का बहुत ज्यादा शौक है भाई। पापा जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ बोलिए, आज आपकी भतीजी की शादी है, आप बिल्कुल पूरी एक सीट लेके बैठे, अच्छी बात नहीं है। எல்லா தொடக்கம் நாங்கிட்டு ஆண்டியா கோடைய தள்ளின ஆய நின்று தாண்டியா கேட்டா கண்ணி தெளிக்கல அண்ணா உடல் ஏடியம்படா तो कहने की मेरे पापा के लिए कुछ जो साउथ इंडियन, तो आप समझ रहे, ठीक है? और आज हमारे विधायक जी आए हैं हमारे साथ इलेक्शन में खड़े होने के लिए। आपको पता होगा लोकसभा चुनाव आ रहे, तो हमारे विधायक जी भी आए हैं हमारे साथ, योगेश जी। कृपया करके वोट मेरे को दिया जाए। और नहीं नहीं, और अब घर के सबसे बड़े भैया से मिलाना चाहूंगा, हमारे बड़े भैया हेलो बोल दो एक बार। हेलो। ये हमारा प्रथम, ये कह रहा है ये बच्चों में सबसे बड़ा है। प्रथम हेलो बोलो। हेलो, हेलो बोलो। हेलो। तो अब आ गए हैं, अब आ गए हमारे छोटे भैया। अब भैया के बारे में कोई खासियत बताता हूँ कि आपने रामायण देखी होगी, लेकिन भैया को रामायण मुझे जुबानी याद है। सही बात है भैया, कुछ हो जाए इसी बात पे, कुछ ना कुछ तो हो जाए। कुछ ना कुछ क्या कहूँ, याद नहीं आ रहा मेरे को यार, अभी तो थोड़ा बहुत तो कुछ बताता हूँ अभी। और तो आपने कल हमारे बाली जी देखे होंगे, बाली जी पीछे बैठे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जाजी से मिलाऊंगा, सबसे बड़े जाजी। तो ये है हमारे सबसे बड़े जाजी, जाजी तो अब आ गए हमारे बाली। तो मोंटी भैया आ गए हैं और साथ में ब्राइड के बड़े भैया विशाल भैया। तो विशाल भैया तो बहुत स्मार्ट देख रहे, आप देख सकते हो, आप चेहरा लाल हो रहा है। तो भैया कुछ बोलिए, एक थोड़ा बहुत तो बनता है यार, हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई बोझ नहीं है। बाली ये बाली बैठे हमारे साथ, ये हमारे साथ ये हाजिर बाली बैठे हुए हैं। आपने इनका संगीत भी सुना होगा। तो अब कैमरा लेके चलते हैं अपने गुरुजी की तरफ, जो कि हमारे बड़े भैया हैं, हमारे गुरु भी रह चुके हैं। तो ये हमारे ललित भैया, भैया कुछ बोलना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं खुशी, मतलब ब्राइड का चश्मा लगा रहे हैं। और हमारे दोस्तों ये थी हमारी पूरी फैमिली, तो बहुत मजा आने वाला, आगे व्लॉग में बने रहिए, ठीक है? और 6 घंटे का रास्ता इतनी मस्ती करके जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना? तो बने रहिए व्लॉग में, मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा पानी पीता, फिर करते दोबारा व्लॉग को कंटिन्यू। मिलते हैं आपके चैनल पे ही। इधर देख।
मेरे यार। तो दोस्तों बस रुक चुकी है और हम वेट कर रहे हैं और हमारी ये गाट वाले भैया फिर आ गए नाटी गाट वाले। तो मोंटी भाई अंधी नींद में है। मोंटी भाई नींद खुल गई आपकी? नींद खुल गई आपकी? तो चलिए अब चलते नीचे की तरफ दोस्तों, आइए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नीचे उतर के आ गए हैं और कुल्फी में देखो ढाबा बुला पड़ा है पूरा। तो और भैया बांट रहे हैं कुल्फी, हमारे ललित भैया सबको कुल्फी बांट रहे हैं। तो मैं ये देखो ये इन सबके हाथों में आपको कुल्फी दिख जाएंगी। कुल्फी दिखाओ अपनी, सारे कुल्फी दिखाओ अपनी। तो आप देख सकते हो उसमें ये आप देख सकते हो कुल्फी में भैया यार कुल्फी बांट रहे सबको अब है। तो फाइनली दोस्तों मेरी भी कुल्फी आ गई है। तो ये देखो इसको भी ले लो, ये करी मुझे भी ले। तो कुल्फी आ गई है और चलो कुल्फी को हम टेस्ट करते हैं, कुल्फी का टेस्ट कैसे है, कुल्फी का भी सबसे रिव्यू लेंगे ठीक है। पहले तो मैं टेस्ट करता हूँ कुल्फी। भाई मम्मी मना करेगी। कुल्फी बढ़िया यार, जनरली कुल्फी को बहुत लगे। और ये हमारा मेहुल है, मेहुल कुल्फी कैसी है? बढ़िया है। तो चलते हैं भाई की तरफ। और ये जो कुल्फी ट्रीट थी ये थी भैया की तरफ से कुल्फी ट्रीट हमारी। तो चलते हैं भाई की तरफ और व्लॉग करते हैं आगे। तू भी आएगी? ले तू भी आजा। हेलो। अरे हमारी दीदी हाय। और कुल्फी की चेयर्स करते हैं एक बार। तो कुल्फी कैसी कुल्फी बताओ पहले। ऑसम ऑसम। तो भाई कुल्फी का रिव्यू बहुत अच्छा आया। तो चलिए अब चलते हैं बस की तरफ और व्लॉग करते हैं आगे। तो कुल्फी एकदम एस्थेटिक व्यू में लेके। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आगे की तरफ। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं 6 घंटे बाद अपने वेडिंग वेन्यू पे। आप देख सकते हो ये पूरा हमारा वेडिंग वेन्यू है। और जो आप राइट हैंड साइड पे वॉल देख रहे हो, मतलब जो ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पर हमारे रूम जहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, मतलब रेस्ट रूम जो हमारे हैं जो हमने ले रखे थे। और आप देख सकते हो ये है पूरा वेन्यू जहाँ पर हमारी आज दीदी की है शादी। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ ऊपर की तरफ और आपको ऊपर की तरफ से ये पूरा रिजॉर्ट दिखाता हूँ ये। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और मैंने अपना जितना भी लगेज है वो सारा रख दिया अपने रूम में ठीक है। तो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाने वाला था यहाँ पर। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन एंट्रेंस की तरफ और आपको दिखाता हूँ जो हमारे वेडिंग वेन्यू का मेन एंट्रेंस है जो कि लग रहा है बहुत खूबसूरत। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह कितनी ही प्यारी, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये एंट्रेंस जो है ना। तो एंट्रेंस तो मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताने कि आपको एंट्रेंस कैसा लगा और वेडिंग वेन्यू कैसा लगा ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ और होते हैं फटाफट रेडी। तो दोस्तों यार फाइनली हम लोग होटल में आ चुके हैं और मैंने आपको अपने होटल भी दिखा दिया। तो भाई बहुत ज्यादा थकावट हो गई, मतलब 6 घंटे लग गए बरेली आने में, लेकिन भाई बहुत इंजॉय करा बस में बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हो ये पागल, ये देखो हमारा पागल, ये देखिए ये प्रथम भाई है, ये बहुत इसने बहुत परेशान करा। और ये हमारी कराची दीदी है, ये देखिए हेलो कर दो। हम सबके अलग अलग रूम्स हैं जिसमें तो सबके अलग अलग, हाँ सबके अलग अलग रूम्स हैं। तो देख रहे हो हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे कितने होशियार हैं ठीक है। तो फटाफट होते हैं अब तैयार और फिर करेंगे व्लॉग को आगे, व्लॉग में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली तैयार होके हम लोग आ गए नीचे और बारात भी आ गई है हमारे द्वारे पर, कहते ना तेरे द्वारे पे आई बारात। तो आप सामने देख सकते हो जीजू का भाभी तिलक कर रही है। तो जो कि रस्म होती है कि जो ब्राइड की जो भाभी होती है, मतलब दुल्हन की जो भाभी होती है, वो उनके हस्बैंड का तिलक वगैरह करती है, जो कि मतलब रस्म होती है। जैसे आप देख सकते हो सामने की तरफ, तो अब भाभी आरती कर रही है। हम ना मीनाक्षी मासी को लेके जाएंगे।
पीछे थोड़ा पीछे हेलो भैया दोस्तों दीदी जीजू के हो गए फेरे और वो लोग चले गए टेबल पे खाना खाने के लिए, तो हम लोग भी आ गए खाना खाने के लिए। और आप पीछे देख सकते हो मोंटी भी है, गोलू भी है और गौरव भी है, तीनों के तीनों भाई रायते के ले रहे हैं मजे। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को करता हूँ एंड, होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं नई जगह के साथ, एक नए आनंद के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।